मसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टर लॉजी चैनल। सो गाइस, आज के मार्केट ने बहुत अच्छा टर्न अराउंड दिया था। स्टार्टिंग में जैसी मार्केट ओपन हुई, हम लोगों ने देखा एक अपमूव आना स्टार्ट हुई। हमारे कुछ ब्रेक इवन लेवल्स थे, उसको भी ब्रेकआउट करा था। निफ्टी के अंदर था 17,150 रुपीज़ का लेवल, उसके ऊपर हमें बाय करना था, हमने बात करी थी। एंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स लेके हम लोग एग्जिट कर लेंगे, और हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टू डे से कि हमें मार्केट के अंदर छोटे पॉइंट्स चाहिए और हमें तुरंत एग्जिट करना है, बिकॉज मार्केट ने इंडिया विक्स ने 21 रुपीस के लेवल के ऊपर जा चुका, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है और इस तरीके से एक्ट कर सकती है। इसके अलावा आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना, वो जैसे ही आप 80-100 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे आपको इंडेक्सेस से निकल जाना है। बैंक निफ्टी के अंदर हमने कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस नहीं करी थी, तो उस पर हमने कुछ काम नहीं करा। बट आफ्टर दैट निफ्टी ने हाई क्रिएट करा था 17,320 का, और उसके बाद एक शार्प फॉल देखने को मिली। फॉल के बाद एक छोटा सा पुल बैक आया, अगेन एक फॉल देखने को मिली। सो मार्केट अभी भी साइडवेज है। हम लोगों ने संडे को डिस्कशन करा था मंडे ट्यूसडे के लिए कि मार्केट साइडवेज रह सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है, उसके बाद तुरंत नीचे आ जाएगी, तो वहां पर आप लोगों को हेवी लॉसेज हो सकते हैं। अगर आप पोजीशन को सेव करके रखोगे तो आपको जल्दी और अर्ली एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर वैसा प्रोसीजर करा होगा तो आप लोग अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड में होंगे, या फिर आपने कोई भी ट्रेड नहीं लिया होगा। सो अब मार्केट ने कुछ इस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न क्रिएट करा है कि यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है, वेदर ऑन इट्स डाउन साइड और ऑन अप साइड। तो मैं आपको लोग दिखा देता हूँ कि कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। तो मैं आज भी दो शेयर ही आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक क्रिप्टो भी रिकमेंड करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप उसमें भी ट्रेड लेकर चल सकते हैं। सो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है शोभा लिमिटेड। शोभा लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है, और इस मार्केट के अंदर ये ज्यादा फॉल करा नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। इस एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो दिन लगातार फॉल आई थी, एक तो कल के ट्रेडिंग सेशन पे एक हेवी वॉलेटिलिटी थी और यहाँ वाले ट्रेडिंग सेशन पे। बट आप देखेंगे एग्जैक्टली इसने विक क्रिएट करा इस लेवल पे, जो इसके लिए सपोर्ट था वहां पर रिजेक्शन फेस करा जाने के बाद, और हायर साइड पे जाके इसने क्लोजिंग दी है। सो ये जो बेस क्रिएट हुआ, ये बेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है शोभा के अंदर। अगर आपको बाय चांस डिप में भी मिलता है, इस रेंज के आसपास मिलता है, देन यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक एज वेल। बिकॉज अगर आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे इसने डबल बॉटम क्रिएट करा, और वो भी रिजेक्शन फेस करा जब मार्केट हैवी बियरिश थी। तो अगर ये स्टॉक इस तरीके से टर्न अराउंड दे रहा है तो आई पर्सनली थिंक ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। सो अब आप देख सकते हैं एक फॉल आया, फॉल के अब आप कैंडल्स देख सकते हैं छोटे छोटे होते रहे, यहाँ पर इसने डबल बॉटम क्रिएट करा, अब ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दिया है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छी बाइंग बन सकती है। बट याद रखना, मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में बोला था कि मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आने वाली है। सो अगर बड़ी मूवमेंट पता चल जाएगी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के लगभग, हमें कल तक पता चल जाएगी, तो अगर वो बड़ी मूवमेंट और डाउन साइड हम लोगों को देखने को मिलती है तो प्लीज इग्नोर दिस पर्टिकुलर स्टॉक जो भी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। बट अगर आपको ना बाय साइड दिखती है तो आप इन स्टॉक्स पे ट्रेड लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ना बाय साइड के लिए आपको एक वॉचलिस्ट बताता हूँ, क्योंकि मैं सेल साइड में स्टॉक्स को वैसे भी शॉर्ट करता नहीं हूँ, तो मैं रिकमेंड भी ज्यादा नहीं करता। बट अगर मार्केट ऑनर बियरिश साइड होगी तो हम लोग कुछ शॉर्ट के भी आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवा देंगे। सो अभी करंट प्राइस है शोभा का 856 रुपीज, हम लोग बाय कर सकते हैं 861 रुपीज के ऊपर, और आई पर्सनली थिंक 875 तो इंट्राडे के अंदर ही जा सकता है, 880 तक इंट्राडे के अंदर जा सकता है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग 940 या 950 तक के टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं, डबल बॉटम का टारगेट। सो इसको भी आप लोग स्टॉक को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल पे अगर आप क्लियरली देखेंगे तो एक आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। इस रेंज के अंदर भी एक कंसोलिडेशन हो रहा था, अगर आप चेक करेंगे इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद इस रेंज पे इसने मल्टीपल कंसोलिडेशन करा था, और इसके लिए रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस का इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, प्लस इस रेंज का भी इसने ब्रेकआउट दिया था। एंड आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इसी लेवल पे इसने रीटेस्ट करा, एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड रीटेस्ट इसने बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई। अब आप देख सकते हैं आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड मूवमेंट ये स्टॉक दोबारा नीचे आए, मार्केट के रैली के साथ कंटिन्यू करा और नीचे आते रहा, बट आज के ट्रेडिंग सेशन पे एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ये स्टॉक अब ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। सो आई पर्सनली थिंक कि इस पे भी एक अपमूव बची है जो ये कल या परसों तक दे सकता है, स्टॉक को भी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग ना वन आवर टाइम फ्रेम चेक करते हैं तो वन आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी इसने सेम पैटर्न यूज करा जो कि शोभा के अंदर था।
आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट था इसने यहाँ पर रिजेक्शन फेस करा, इस लेवल पर रिजेक्शन फेस करा एंड इसने एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, बट उसके बाद ही अगली कैंडल में एक रिकवरी देखने को मिली है। सो आई पर्सनली थिंक यहाँ पर जितने भी बायर सेलर्स थे वो सबके सब ट्रैप हो गए थे और यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम आना स्टार्ट हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी लास्ट आर की कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो मुझे लगता है ये स्टॉक कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अब इसके बात करें तो करंट प्राइसेस 917 रुपीज, अगर ये 912 के नीचे चले जाता है स्टार्टिंग के टाइम पे ही मार्केट खुलते ही तो हमें ट्रेड नहीं करना, बट अगर ये 923 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और ऑलमोस्ट अगर हम इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि ऑलमोस्ट ये अचीव कर सकता है 940 to 950 रुपीज के लेवल तक। स्टॉक अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, आई थिंक ये भी बढ़िया रिटर्न आने वाले टाइम पे दे सकता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। सो बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं स्टॉक मार्केट में मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करा था कि मार्केट के अंदर एक क्रैश आ सकता है और वहां पर पूरे रीजंस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे कि चाइना के अंदर रियल एस्टेट बबल क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी, बहुत फैक्ट्स के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करा था। और वहां पर मैंने एक वर्ड बोला था कि आप लोग हल्के हल्के करके अपने पोर्टफोलियो को, अगर आपका पोर्टफोलियो एक साल से कम का है, अगर आपका होराइजन एक साल से कम का है तो आप डेफिनेटली टाइम है अब आपके पास अपने पोर्टफोलियो को स्क्वायर ऑफ करने का हल्के हल्के। और मैंने आपको कहा था कि मैं एक साल से ज्यादा कोई भी स्टॉक्स को होल्ड नहीं करता, तो मैंने वहां पर आप लोगों को स्टार्टिंग में एक वर्ड लाइन बताई थी कि मैं अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट कर रहा हूँ। सो गाइस जब मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, आपको पता है कि मैं स्टार्ट में क्रिप्टो मार्केट पे ही ट्रेड करता था बट मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव सेगमेंट पे नहीं जाता था, मैं सिंपल 2-3 दिन के लिए रखे कुछ परसेंटेज रिटर्न मिले एंड आई विल एग्जिटेड विद प्रॉफिट्स। सो बट अब मैंने क्रिप्टो में फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कराया एंड डेफिनेटली गाइस मार्केट यहाँ पर जितना गिर रही है बट वहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मतलब मैंने 3 दिन के अंदर ही अपने पैसों को 3 गुना कर लिया है। सो ये स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करी जाएगी, मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे 3 times गेन करा था सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर और आप लोगों को भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ऐसे क्रिप्टो की जो पर्सनली मुझे लगता है कि एक बढ़िया रिटर्न आने वाले टाइम पे दे सकता है अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, और वो कंपटीशन भी है इथेरियम का। सो बात करते हैं। सो गाइस क्रिप्टो मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, तो उस कॉइन का नाम है AVAX USDT। तो मैं जनरली USDT पे ही ट्रेड करता हूँ, INR के अंदर नहीं करता बिकॉज INR में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। और अभी हम देख ही रहे हैं कि मार्केट के अंदर मीटिंग चल रही है कि क्रिप्टो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इंडिया के अंदर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये है वो है, तो INR पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे हिसाब से USDT पे ट्रेड करो, इट्स अ स्टेबल कॉइन और यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स और देखने को मिल सकते हैं। सो कॉइन का नाम है AVAX। गाइस ये पर्टिकुलर कॉइन मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, तो राइट नाउ $119 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, राइट अबाउट अगर हम बात करके चले तो 8,000 to 8,500 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है INR में। बट मुझे लगता है ये आने वाले टाइम पे ऑलमोस्ट यहाँ से डबल ट्रिपल हो सकता है। इसमें ऑलरेडी मैंने बाय कर लिया है, मैंने अराउंड 101 पे बाय कर रखा है इसे, और मैंने रिसेंटली आज अभी एग्जिट करा है इसे बिकॉज अभी मुझे लग रहा था थोड़ा सा साइडवेज ही जा सकता है। सो राइट नाउ अभी मैंने 15-20 मिनट पहले ही इसे एग्जिट करा है और मैं इसके अंदर दोबारा री एंट्री लेने वाला हूँ, मैं छोटी छोटी क्वांटिटी पे इसको अलग से रखने वाला हूँ। वॉल्ट के अंदर तो नहीं है इस पर्टिकुलर कॉइन ये, बट बायनाइंस पे मैंने इसको ले रखा है। सो इस पर्टिकुलर कॉइन को आप डेफिनेटली चेकआउट करिए और मुझे लगता है ये आने वाले टाइम पे 3 to 4 times हो सकता है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, एवेलेंच इसका फुल नेम है, अगर आपको एवेलेंच के बारे में और कुछ पढ़ना है तो आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, उसके बारे में आप इसके बारे में और भी कुछ पढ़ सकते हैं एंड ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है इथेरियम का। सो ये था हमारा कॉइन जिसपे आप लोग एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेड लेकर या 6 महीने के परस्पेक्टिव से एज अ ट्रेड लेकर चल सकते। तो गाइस अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट का डाटा की, FIIs का डाटा की एंड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो कि आप लोगों को हमारा कंसेप्ट कैसा समझ में आ रहा है। चलते हैं निफ्टी के ट्रेड सेटअप में। सो निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है गाइस आप लोगों के लिए एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एक पैटर्न डेवलप हुआ है, इस पर क्लियर पैटर्न नहीं है बट बैंक निफ्टी के अंदर वो क्लियर पैटर्न है। अब आप देख सकते हैं हुआ क्या, मंडे की ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा ये एक विक क्रिएट हुई, ये एक डोजी क्रिएट हुई, ठीक है, इसके बाद ये कैंडल एक और क्रिएट हुई आज के ट्रेडिंग सेशन पे। अगर आप इन दोनों कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो हुआ क्या, कल के ट्रेडिंग सेशन में मतलब मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे निफ्टी नीचे जाता रहा और एक रिकवरी ऊपर की साइड देखने को मिली है, तो विक नीचे था। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, निफ्टी ऊपर जाता रहा बट इवेंचुअली एंड में वो नीचे आ गया और विक ऊपर क्रिएट हुई। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक रेंज डेवलप हो चुकी है, ये वाली जो रेंज डेवलप हुई है जिसका टॉप ये है और बॉटम ये है।
अब ये इस रेंज के अंदर काम कर सकता है, जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम कर रही है हमें कोई ट्रेड नहीं करना। निफ्टी ने अगर इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, तो एक अपर ट्रेंड दोबारा रिकंटिन्यू हो जाएगा। बट अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया तो आप इसके ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस क्रिएट करके आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और जितना बड़ा ये रेंज है उतना बड़ा टारगेट आप क्लियरली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये बहुत रेयरली बनते हैं, बहुत रेयरली स्टॉक्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं, बट अगर ऐसा देखने को मिलता है तो डेफिनेटली एक बड़ी मूवमेंट की तैयारी हो रही होती है और रेंज कंसोलिडेट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलने वाला होता है। सो याद रखिएगा एग्जैक्टली अगर इसका ब्रेकआउट होता तो बाय है, इसका ब्रेकडाउन होता तो शॉर्ट है। इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना। इस रेंज के अंदर या तो आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करके एक इंट्राडे बेट लेकर काम कर सकते हो, बट उसको स्क्वायर ऑफ जरूर कर देना, ठीक है। सो अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, एंड उसके बाद डाटा को चेक करते हैं, ओपन इंटरेस्ट और सारे डाटा इसको कि क्या लग रहा है कि कहां पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, और ये आप 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख सकते हैं जिसपे पर्टिकुलर बैंक निफ्टी ने इंडेक्स ने सपोर्ट लिया हुआ है। सो अभी एक क्रूशियल लेवल है, एग्जैक्टली एक क्रूशियल लेवल है। अगर इस क्रूशियल लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम लोगों को एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकती है। दोबारा सेम चीज बता रहा हूं मैं, ये क्लियर नहीं बना हुआ है, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो नीचे से एक रिकवरी आई और यहां पर यहां पर ऊपर से एक गिरावट आई। सो यहां पर हम लोगों को एक पैटर्न के बारे में पता चल रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो क्लियर शॉर्ट लॉन्ग है, अगर इसके नीचे जाता है तो क्लियर शॉर्ट है। इस बात को याद रखेगा, अगर इसके नीचे जाता है तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा और वहां पर जो गिरावट होगी वो और ज्यादा एक्सीड हो सकती है, तो उस बात को भी जरूर याद रखिएगा। सो ये एक पैटर्न है, अगर इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली इस रेंज का भी ब्रेकआउट होगा तो भी एक अच्छी अपमूव आ सकती है। अगर इस रेंज के नीचे जाता है तो डेफिनेटली हेवी सेलिंग आ सकती है। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आइदर ऑन अ ब्रेकआउट साइड और ऑन अ डाउन साइड। सो चेक करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा के थ्रू कि हमें कहां पर एक्सपेक्टेशन ज्यादा लग रही है। सो निफ्टी का मैंने ओपन इंटरेस्ट ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज, हम लोग पास्ट में बहुत टाइम से अभी चेक करते हुए आ रहे हैं ओपन इंटरेस्ट को और उसको मिला रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ, बट जब भी हम लोग इन दोनों को क्लब करते हैं और एक चीज निकल के आती है तो हम मान के चलते हैं वही डायरेक्शन में जाएगी और डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में जाती है। बट अगर टेक्निकल एनालिसिस बाय साइड दिखा रहा है और ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड दिखा रहा है तो हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग में खुलते ही शॉर्ट होती है बट मार्केट इवेंचुअली ऊपर जाके क्लोज होती है। बट अभी अगर हम लोग बात करें तो मार्केट रेंज बाउंड है, और अगर ये जो डाटा हम लोगों को सामने देखने को मिल रहा है ये क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा वीक है। सो इसीलिए अभी हम लोग ज्यादा कोई पर्सपेक्टिव या बायस्ड ओपिनियन लेकर नहीं चलेंगे कि मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जा सकती है और आप लोग करेंट लेवल्स पे शॉर्ट बना लो। आपको शॉर्ट तभी करना है जब वो विक के नीचे जाएगा, और अगर उस विक के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करना है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉल और पुट चेंज की, तो कॉल चेंज है नेगेटिव 1.9 मिलियन, मतलब कॉल राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं, कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया है, पुट राइटर्स है 1.9 मिलियन। सो यहाँ पर एक अच्छी बात है। दूसरी बात अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट का पूरा एक्युमुलेटिव डाटा देखें तो कॉल टोटल कॉल है 67 मिलियन एंड टोटल पुट्स है 43 मिलियन, यानी कि ये बता रहा है कि ऑन अ कॉल साइड ज्यादा पोजीशंस ऐड ऑन है, कॉल राइटर्स में ज्यादा पोजीशन ऐड ऑन है, तो इट्स अ बियरिश सेंटीमेंट, बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इट्स अ बुलिश सेंटीमेंट। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि हेवी कॉल राइटर्स है 17,500 के अंदर, अब बात की है कि कल है वेडनेसडे, कल वेडनेसडे है तो 17,500 अगर ये बाई चांस ऊपर खुलती है, इसी लेवल पे खुलती है तो कॉल राइटर्स को भी नुकसान होने वाला है। बट यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि ये वाले जो लोग हैं वो आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पर उन्हें अब ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा होगा। दूसरी बात, 17,300 के कॉल राइटर्स जो थे वो पोजीशन से एग्जिट कर चुके हैं, उन्होंने स्कोर ऑफ कर लिया है और वो डायरेक्टली आ गए हैं 17,000 पे। तो उस बात को याद रखना है, अभी 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर हैवी पोजीशन स्कोर ऑफ हुई है और 17,000 पे डायरेक्ट कॉल राइटिंग क्रिएट हुई है, तो यानी कि 17,080 रुपीस का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर सकता है। दूसरी बात, हैवी पुट राइटिंग 16,650 रुपीस पे देखने को मिली है, बहुत ज्यादा नीचे है और हमारे हिसाब से अगर वहां तक फॉल आती है तो डेफिनेटली और गिरावट एक्सीड हो सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के अंदर कॉल चेंज है 4.4 मिलियन और पुट चेंज है 0.8 मिलियन, तो यानी कि हमें ये चीज बता रही है कि कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव है ऑन अ बियरिश साइड। अभी हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है थी कि बैंक निफ्टी के अंदर 200 देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो अगर ये डाटा के बेसिस पे चले तो हमें लग रहा है कि वो सपोर्ट बहुत तेजी से टूट सकता है। अब देखेंगे हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है 36,500 के अंदर और अभी 35
5700 चल रहा है, यानी कि 1000 पॉइंट ऊपर है। तो डेफिनेटली गाइस यहां पर वाले कॉल राइटर्स भी अगले दिन मार्केट पे ही शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और आगे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। सो अगर कल यहां पर कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलती है हमें डाटा पे, तो हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आगे की तरफ शिफ्ट हुए होंगे। अभी बात करें तो 36,000, 35,900 और 35,800 इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पे हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव है और 36,000 पे पुट राइटर्स भी एग्जिट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग डाटा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो 36,100 तो बिल्कुल भी ब्रेक होने नहीं वाला है इस एक्सपायरी के अंदर, और अगर कल गैप अप भी खुलता तो भी एक सेलिंग प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज गैप अप के टाइम पे सारे कॉल राइटर्स इधर की तरफ एक्टिव हो जाएंगे और ये लोग ऑलरेडी एक्टिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक हेवी रेजिस्टेंस के थ्रू वो नीचे जा सकती है मार्केट, तो इस बात को याद रखना। और कहीं पर भी हम लोगों को हेवी पुट राइटर्स देखने को नहीं मिल रहे, हर जगह इनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। सो मेरे हिसाब से डाटा इज वेरी पुअर ऑन अ ओपन इंटरेस्ट साइड। FIIs की बात करें तो सिंपल है, उन लोगों ने फिर 5,500 करोड़ का माल बेचा है, DIIs ने 5,000 करोड़ का माल बाय करा है, तो बिल्कुल बराबर चल रहा है, तो इसको अभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। प्लस 15,000-16,000 करोड़ का 1600 करोड़ का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करा हुआ है। रिसेंटली उन्होंने अभी कल के ट्रेडिंग सेशन पे भी लॉन्ग करा था, मार्केट ऊपर गई थी बट इवेंचुअली फिर वो नीचे आ गई थी, तो वो करके आ रहे हैं। वो लोग ऑन ए इंट्राडे बेसिस ट्रेड ले रहे हैं और वो अपनी पोजीशंस को जो उनकी होल्डिंग्स हैं उनको एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज ये थी पूरी एनालिसिस जो आप लोगों के साथ मैं कल के डाटा के लिए शेयर करना चाहता था। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियोज कैसी। डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर हम लोग बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों को देने वाले हैं। टेलीग्राम पे मैं कल से क्रिप्टो के भी ट्रेड्स आप लोगों को ऑन इंट्रा बेसिस शेयर करने वाला, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएंगी। प्लस इंस्टाग्राम के अंदर भी बहुत स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के दोबारा केसेस एंटर होने वाले हैं तो टेस्टिंग बढ़ सकती है। अगर टेस्टिंग बढ़ सकती है तो ऐसे कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिसपे आप ट्रेड लेकर या होल्ड करके उन पर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं। सो प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बोथ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहां से आप अपना फायदा उठा सकते हैं। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।